विकासनगर की बात करें तो वहां पर किसानों पर मौसम की मार पड़ी है। बारिश और बर्फबारी की वजह से किसानों की फसल को नुकसान हुआ है। खेतों में खड़ी गेहूं की फसल बारिश की वजह से जमीन पर बिछ गई है और वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की वजह से मटर की फसल को नुकसान पहुंचा है। किसानों का कहना है कि इस बार फसल के उत्पादन पर बहुत असर पड़ेगा। लगातार 2-3 दिन से बारिश जो हो रही है उसके लिए फसल के लिए इतना नुकसान हो चुका है। आप देख रहे हैं कि हमारी गेहूं है, मटर की फसल जो है और अन्य फसलें जो है सारी तबाह हो चुकी है और इसके लिए हमें आने वाली फसल का दाना जो है इस हिसाब से बिल्कुल पतला होगा और फूल जो है गेहूं का और हर एक चीज़ का झड़ चुका है। और वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की वजह से मटर की फसल को नुकसान पहुंचा है। किसानों का कहना है कि इस बार फसल के उत्पादन पर बहुत असर पड़ेगा। लगातार 2-3 दिन से बारिश जो हो रही है उसके लिए फसल के लिए इतना नुकसान हो चुका है। आप देख रहे हैं कि हमारी गेहूं है, मटर की फसल जो है और अन्य फसलें जो है सारी तबाह हो चुकी है और इसके लिए हमें आने वाली फसल का दाना जो है इस हिसाब से बिल्कुल पतला होगा और फूल जो है गेहूं का और हर एक चीज़ का झड़ चुका है। और वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की वजह से मटर की फसल को नुकसान पहुंचा है। किसानों का कहना है कि इस बार फसल के उत्पादन पर बहुत असर पड़ेगा। लगातार 2-3 दिन से बारिश जो हो रही है उसके लिए फसल के लिए इतना नुकसान हो चुका है। आप देख रहे हैं कि हमारी गेहूं है, मटर की फसल जो है और अन्य फसलें जो है सारी तबाह हो चुकी है और इसके लिए हमें आने वाली फसल का दाना जो है इस हिसाब से बिल्कुल पतला होगा और फूल जो है गेहूं का और हर एक चीज़ का झड़ चुका है। और वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की वजह से मटर की फसल को नुकसान पहुंचा है। किसानों का कहना है कि इस बार फसल के उत्पादन पर बहुत असर पड़ेगा। लगातार 2-3 दिन से बारिश जो हो रही है उसके लिए फसल के लिए इतना नुकसान हो चुका है। आप देख रहे हैं कि हमारी गेहूं है, मटर की फसल जो है और अन्य फसलें जो है सारी तबाह हो चुकी है और इसके लिए हमें आने वाली फसल का दाना जो है इस हिसाब से बिल्कुल पतला होगा और फूल जो है गेहूं का और हर एक चीज़ का झड़ चुका है। और वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की वजह से मटर की फसल को नुकसान पहुंचा है। किसानों का कहना है कि इस बार फसल के उत्पादन पर बहुत असर पड़ेगा। लगातार 2-3 दिन से बारिश जो हो रही है उसके लिए फसल के लिए इतना नुकसान हो चुका है। आप देख रहे हैं कि हमारी गेहूं है, मटर की फसल जो है और अन्य फसलें जो है सारी तबाह हो चुकी है और इसके लिए हमें आने वाली फसल का दाना जो है इस हिसाब से बिल्कुल पतला होगा और फूल जो है गेहूं का और हर एक चीज़ का झड़ चुका है। और वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की वजह से मटर की फसल को नुकसान पहुंचा है। किसानों का कहना है कि इस बार फसल के उत्पादन पर बहुत असर पड़ेगा। लगातार 2-3 दिन से बारिश जो हो रही है उसके लिए फसल के लिए इतना नुकसान हो चुका है। आप देख रहे हैं कि हमारी गेहूं है, मटर की फसल जो है और अन्य फसलें जो है सारी तबाह हो चुकी है और इसके लिए हमें आने वाली फसल का दाना जो है इस हिसाब से बिल्कुल पतला होगा और फूल जो है गेहूं का और हर एक चीज़ का झड़ चुका है।